आप सही होंगे, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। आज हम बना रहे हैं खिचड़ी, क्योंकि शाम को हमारा है दावत। हमने कहा दोपहर को खिचड़ी बना लें, तब खिचड़ी खा लेंगे। लेकिन हमारी गैस नहीं थी, गैस चली गई थी, अभी अभी आई है गैस, तो अब मैं खिचड़ी बना रही हूँ। आपको कैसी लगे आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है आज का ब्लॉग मम्मी बना रही हैं, अगले वाला चलो मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो इस वजह से ब्लॉगिंग का काम मैंने मम्मी को दे दिया, और आपने फुल सपोर्ट करनी है मेरी। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बाकी अम्मी आपको बताएंगी कि अम्मी क्या बना रही है और कैसे बना रही है। तो आप वीडियो के एंड तक रहिएगा, तो अम्मी देखते हैं क्या बना रही है। मैंने इसमें डाला है दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और काली मिर्च, तेज पत्ता डाली हुई। अब ये मैं डाल रही हूँ तेज पत्ता, 1 2 3 4। आज समी ने हमारे कहा अम्मी आप बनाइए, आप भी बनाना सीख लें, आप भी बनाया करें। अब ये मैं डाल रही हूँ मसूर की दाल और चावल। हमने बनाई है मसूर की दाल की खिचड़ी। आज दिल चाह रहा था, बहुत अरसे के बाद बना रहे हैं, कम से कम 3-4 साल के बाद मसूर की दाल की खिचड़ी। दरअसल हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है तो हम इसलिए बनाते नहीं हैं। आज बस दिल चाह रहा था तो मैंने कहा चलो खिचड़ी बना लेते हैं। व्यूअर्स अब ये मैं डाल रही हूँ पानी, इंशाल्लाह हमारी खिचड़ी बन जाएगी तो आपके साथ हम शेयर करेंगे, दस्तरखान पे रखेंगे, सब खाएंगे। तो आप बताइएगा कैसी बनी है, आपको पसंद आई या नहीं। हम तो ऐसे ही बनाते हैं, आप पता नहीं कैसी बनाते होंगे। बस हमारी खिचड़ी दम पे लगी है, दम पे नहीं लगी अभी, इसमें बॉयल नहीं मिलाया, अभी ये ऐसी रखी है। बन जाएगी तो आपके साथ हम शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे, खाएंगे। आप बताइएगा कैसी बनी, फिर आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैंने कैसी बनाई है खिचड़ी। क्योंकि हमारे घर खिचड़ी बनती नहीं है, कोई खाता नहीं है। आज बस मेरा दिल चाह रहा था तो इसलिए मैंने बना ली। कि हमारे यहाँ लाइट वो गैस नहीं थी, गैस 3 बजे की गई हुई, अभी 5 बजे आई है, हम इंतज़ार नहीं रह गए। हमने कहा चलो नमाज के बाद बघार देंगे, लेकिन हमारे यहाँ गैस नहीं थी, अभी आई है हमारे यहाँ गैस। तो अब मैं खिचड़ी बना रही हूँ। और हमारी हरम फातिमा ये हैं, हमारे पास आ गई हैं।
हमारे साथ खिचड़ी बनवा रही हूँ, है ना भाई? अप्पू खाना है, है? अप्पू खाना है, अप्पू खाना है। टाटा कर दो, बोलो टाटा। आंटी टाटा, अंकल टाटा, सबको टाटा कर दो, टाटा कर दो। अस्सलामुअलैकुम। हाँ, खिचड़ी बन रही है, अभी हम लोग खाएंगे। हाँ, खिचड़ी खाएंगे हम लोग। ये हमारी अब दम पे आने वाली है, प्यारे बच्चों आप लोग खाइएगा, हमारे पोती पोता इंतज़ार कर रहे हैं। दादी कब खिचड़ी बनेगी, हम कब खाएंगे? अभी खिचड़ी हमारी बनने वाली है, हमारे पोती पोता सब इंतज़ार में बैठे हैं। देखे व्यूअर्स, हमारी खिचड़ी अब दम पे आने वाली है, हम दम इसको लगा देंगे। इसके बाद हमने आज खिचड़ी इसलिए बनाई है कि दोपहर को हल्का फुल्का खाना खाएंगे, शाम को हमारी बहू की है बर्थडे, हम लोग शाम को बर्थडे मनाएंगे, तो शाम को बनाएंगे बिरयानी और कढ़ाई, केक, उसके साथ कुछ और भी होगा, तो इसलिए हमने इस वक्त खिचड़ी बना ली। मैंने कहा खिचड़ी बना लो, हल्का खाना है, खा लेंगे हम लोग। बाहर का देखिए मंजर, आज अल्लाह का शुक्र है धूप निकली हुई है, नहीं तो बहुत सर्दी हो रही थी, धूप भी नहीं थी। अब हम किचन से जा रहे हैं, अब अंदर कमरे में देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। ये हमारे समी साहब हैं, कंपनी से आ गए हैं और ये लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और ये हमारे नौमान हैं, सबसे बड़े बेटे, अपनी बेटी को गोद में लिए हुआ है इन्होंने, टीवी देख रहे हैं। तो आपने देखा आज अम्मी ने ब्लॉग बनाया था, अगर कोई कहने में बोलने में कोई गलती हो गई हो तो उस चीज़ के लिए माजरत, और हमारा ब्लॉग होता है यहाँ पर पूरा। आपसे लेते हैं इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने सभी भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।